विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने के माध्यम से हिंदूवादी संगठनों ने राजस्थान में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा हिंदू मंदिरों, धार्मिक शोभा यात्रा पर हमले करने की कठोर शब्दों में निंदा की गई। वहीं प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों पर भी रोष प्रकट किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा गया। राजस्थान के करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुए दंगों के विरोध और गिरफ्तारियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कलेक्टर एवं एडीएम नहीं मिलने पर हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हो गए। वहीं कलेक्टर ऑफिस के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद एसडीएम के पहुंचने पर हिंदू संगठन के लोगों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठन के लोगों ने राज्य में करौली, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुए दंगों के विरोध और असामाजिक तत्वों के गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि एक समुदाय को खुश करने के लिए सरकार हिंदुओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, जो वास्तव में अपराधी है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। धरना स्थल से हिंदू संगठन के लोगों ने तुष्टीकरण नीति नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण नीति, एक हिंदू विरोधी नीति, मुसलमानों को सह देकर के जगह जगह उन्हें दंगे करा दिए और अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्दोष जो लोग थे जिनके साथ घटना घटित हुई उनके अंदर झूठे मुकदमा लगा कर जेल में डाला गया है। इस तुष्टीकरण नीति के विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रांतव्यापी एक धरना प्रदर्शन रखा गया था। ये सब सुनियोजित था, प्रशासन को मालूम था। प्रशासन दोहरी नीति करती है, जब भी कोई ज्ञापन देने हिंदू संगठन आता है उनके अंदर भेदभावपूर्ण नीति से कार्य करती है। आज हम ज्ञापन देने के आए, न तो यहाँ जिलाधीश महोदय है, न एडीएम साहब है, न एसडीएम साहब है, हम ज्ञापन किसको दें? इस मजबूर होकर के हमको गेट के आगे धरना देना पड़ा। इस तरह से प्रदर्शन करना, मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू संगठन जब कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे तो सीट पर कलेक्टर और एडीएम दोनों नहीं मिले तो लोग आक्रोशित हो गए। ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लग गए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि ज्ञापन देने का प्रोग्राम पहले से तय था तो अधिकारियों को सीट पर होना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरह प्रशासन भी हिंदुओं की उपेक्षा कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ देर बाद एसडीएम के आने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिकारी को खरी खोटी भी सुनाई गई।